लोगों को आप पाकिस्तान अफगानिस्तान जैसी कंट्रीज से लाके हिंदुस्तान में कहाँ रखेंगे? दिल्ली, बॉम्बे, भोपाल, जगह कहाँ है? उनको नौकरियाँ क्या देंगे? मुझे एक बात बताएं, आप में से किस किस के पास अच्छी नौकरी है? नौकरी तो है कोई, एक मिनट, आप क्या एम्प्लॉयमेंट देंगे? वो खाएंगे क्या? वो पहनेंगे क्या? एक तो हमारे पास वोट करने के लिए अलग कार्ड है, आधार कार्ड का क्या यूज है? डिमोनेटाइजेशन क्यों हुई? आई एम सॉरी बट अगर हम एक चाय बनाने वाले को देश पकड़ा देंगे तो ये होगा। हम सबसे सबसे बड़ी गलती ये हुई है कि हमने जिस गवर्नमेंट को इलेक्ट किया है, इट इज बाइटिंग अस इन द फेस। तो क्या आपने मानते हैं मजबूत प्रधानमंत्री देश को मिले और मजबूत हाथों में देश है हमारा? इसका बिल्कुल भी नहीं। आपको लगता है ऐसा? क्या आपको लगता है कि देश मजबूत हाथों में? आप मुझे एक बात बताएं, आप रिपोर्टर हैं, पुलिस का काम क्या होता है? देश की सुरक्षा करना, लोगों की सुरक्षा करना। पुलिस कर क्या रही है? जुडिशरी का क्या काम है? न्याय दिलाना लोगों को। जुडिशरी क्या कर रही है? तो आप देख रहे हैं, मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, मैं कॉन्स्टिट्यूशन जैसे सब्जेक्ट्स को पढ़ती हूँ। ये जो कहते हैं ना कि बच्चे टेररिस्ट है, जो सुबह लोग बैठ के चाय पे ये सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं ना, कि न्यूज पढ़ते हैं, पॉलिसी आई, हम पूरी पूरी रात बैठ के उन पॉलिसीज को बनाते हैं, हम स्टडी करते हैं, हम रिसर्च करते हैं और हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो तुम हमें बताओगे हम क्या कर रहे हैं? और हम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत नहीं है। कोई मुझे बता दे कि ये गलत है, मैं तो आपको मूर्ख समझूंगी। इसमें गलत क्या है? आपको डिसेंट में और आपको हम लोग वी आर शोइंग यू डिसेंट। आपने पुलिस का अभी नाम लिया कि पुलिस क्या कर रही है, जैसे JNU की घटना हुई है, कहीं ना कहीं पुलिस पर एक बड़ा आरोप लग रहा है कि पुलिस ने ठीक से काम नहीं किया। देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, माई फादर इज़ अ पुलिस मैन, आई एम अ कश्मीरी, ठीक है? मुझे पता है पुलिस वाले का काम क्या है, बिकॉज आई हैव बीन रेस्ड बाई अ पुलिस ऑफिसर माई सेल्फ। एक पुलिस वाले का काम नहीं है कि वो यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर करके 15 दिसंबर और 5 जनवरी की रात को और शाम में क्या हुआ है, मैं बिल्कुल कंडेम करती हूँ उस हरकत को। 15 को आप जामिया के अंदर आते हैं, आई वॉज अ पार्ट ऑफ द प्रोटेस्ट, आप अंदर आते हैं, आप बच्चों को लाठी चार्ज करते हैं, आप कहते हैं कि हमारे पास परमिशन थी, और फिर जब 5 तारीख को आप यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं, आप गूंस को, आप गुंडों को रोक नहीं सकते हो प्रॉपर्टी वैंडलाइज करने से, बिकॉज आपको परमिशन चाहिए थी। आपको क्या लगता है जो बच्चे रात रात बढ़ बैठ के पढ़ रहे हैं, जो लाइफ जी रहे हैं, ठीक है हम लोग कॉलेज स्टूडेंट्स हैं ना, हमने इतनी ज़िंदगी नहीं देखी, लेकिन हम बेवकूफ़ तो नहीं है ना? आप हमारे मुंह पे आके हमको बता रहे हो, कितना और बेवकूफ़ बनाओगे जनता? लोग ये तो जानते हैं कि पुलिस तो सरकार के अंडर में होती है, और जैसे सरकार आदेश करेगी वैसी पुलिस काम करेगी। दिस इज़ वर्ल्ड वॉर 3, सारी फोर्सेस एक बंदा कंट्रोल कर रहा है, जुडिशरी को एक बंदा कंट्रोल कर रहा है, दिस इज वर्ल्ड वॉर 3। ये वो वक्त है जब दुनिया खत्म होगी, जब ये देश खत्म होगा। अब भी अगर लोग नहीं बोलेंगे तो देश खत्म होगा। आप हिंदू मुसलमान को बांट रहे हो, दिस इज द मोस्ट सिक थिंग वन कैन डू। नहीं, कहीं ना कहीं जो आप जो चीजें बीजेपी कर रही है, चाहे धारा 370 हो, 3 तलाक हो, मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैंने कल रात में बैठ के बीजेपी का मैनिफेस्टो पढ़ा है, बीजेपी के मैनिफेस्टो में 13 चैप्टर है, बीजेपी के मैनिफेस्टो में 13 चैप्टर में स्टार्टिंग के 10 चैप्टर में डेवलपमेंट, वुमेन, सेफ्टी, हेल्थ इश्यूज कहीं पे कुछ नहीं है, वो सब 13-14 चैप्टर में आता है। उनके हमने जिस सरकार को इलेक्ट किया है उसके मैनिफेस्टो में बहुत क्लियरली लिखी थी ये चीजें, 370 NRC CAV सब कुछ बताया गया था। बट हम हिंदुस्तानी, मैं खुद, मैंने किसी पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा है, हमने ये चीज पढ़ी नहीं, हमें नहीं पता था। अब जब जाके मैंने पढ़ा तो मुझे रियलाइज हुआ कि वुमेन सेफ्टी और डेवलपमेंट ये तो इनके इश्यूज ही नहीं है, इनको तो कुछ और ही करना है, इनको तो मजे लेने हैं। तो ये इनके कभी इनका कंसेप्ट ही नहीं था ये वुमेन सेफ्टी। और ये आप मुझे एक बात बताएं, दिन भर में कितने रेप होते हैं आपको खुद को पता है? आपको रात में, अगर आपकी कोई बहन है, आपकी बहन, आप उसको रात में 2 बजे निकलने दोगे बाहर? आपको डर लगता है? पहले भी निकलने दे सकते थे, सरकार की बात छोड़ो, आप दे सकते हो रात में 2 बजे अपनी माँ को अकेले सड़क पे निकलने दोगे? मैं तो नहीं निकलने दूंगी, कोई नहीं निकलेगा। तो आप बताएं मुझे किस देश में रह रहे हो? जिस देश में पुलिस घटना के आधे घंटे के बाद पहुंचे और यूनिवर्सिटी में शाम के 6 बजे ही पहुंच जाए बच्चों को, कब? सरकार का कहना क्या कहना है, जो पूरी स्थिति बनी हुई है, कहीं ना कहीं जो पिछली गवर्नमेंट रही है उनके कारण ये ऐसी स्थिति बनी है, टाइम लगेगा इसे थोड़ा सुधरने में। हाँ, मुझे एक बात बताएं, कितना टाइम चाहिए? कितना टाइम? हिंदुस्तान को आज़ाद
हुए 70 साल हो गए। मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे कोई भी अगर मुझे पूछेगा मुझे किस चीज से आजादी चाहिए, मुझे इस डर से आजादी चाहिए कि अभी अगर मेरे माँ बाप का मुझे कॉल है और मैं उनको बोलूँ मैं प्रोटेस्ट में हूँ तो उनकी जान खत्म होने को ना है, क्योंकि इस वक्त सबको पता है जो लोग बाहर निकल के बात कर रहे हैं दिस इज सुसाइड, व्हाट वी आर डूइंग इज सुसाइड। हमें नहीं पता हमारी जान की हमारे गर्दनों पे तलवार लटक रही है, हम कब मर सकते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है ना हम बोलना बंद करते। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अस एंड देम। वो लोग पढ़े लिखे नहीं है ना, हम उनको ब्लेम भी नहीं कर सकते। दिस इज सिक मेंटालिटी। आप RSS स्कूल्स बना रहे हो, आप बच्चों को भेज रहे हो, वीडियोज वायरल हो रही है, जाओ जाके मंदिर मस्जिद तोड़ो। क्या बच्चे हैं वो, जिस उम्र में उनके हाथ में पेंसिल किताब पकड़ानी चाहिए आप उनको मंदिर मस्जिद सिखा रहे हो। ये हिंदुस्तान का फ्यूचर है, ये जो आप देख रहे हो ना। सरकार तो कहने के कह रही है कि हम बिज गुरु बनाएंगे इस देश को, डेवलप कंट्री बनाएंगे, और आप कह रहे सरकार बिल्कुल उलट है। बहुत डेवलप हो रही है, दिसंबर में मेरे एग्जाम होने थे, मैं सड़क पर खड़ी हूँ, बहुत डेवलप हो गई कंट्री। मुझे मेरी डिग्री खतरे में लग रही है, मैं लॉ कर रही थी, कहीं मुझे मैंने देखा नहीं कभी बोले हुए। मैं लॉ कर रही हूँ, ठीक है, मुझे अपनी डिग्री यूजलेस लगती है, क्या फायदा इसी डिग्री का। मोदी जी ने कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खाई थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बर्बाद करने की नहीं, आई एम सॉरी, वो बर्बाद कर रहे हैं। क्या है ये, आप लोगों को लाने की बात कर रहे हो, रखोगे कहाँ, अपने लोग आपसे खुश नहीं है। जैसे आपने कहा मैंने मैनिफेस्टो पढ़ा, तो इसमें कहीं ना कहीं लगता है उनकी विचारधारा ऐसी है, वो लोग तो इस चीज पे काम करना चाहते, नई बात तो है नहीं, वो तो चाहते यही थे। देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप में से किस किस को पता है बीजेपी का एवोल्यूशन कैसे हुआ है, बीजेपी पार्टी बनी कैसे, कि 70s के टाइम पे जब इमरजेंसी आई थी तब ABVP ग्रुप बनाया था अरुण जेटली सर ने, जब वो DU में LLB कर रहे थे, उन्होंने एक स्टूडेंट मूवमेंट शुरू करा था, जिसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हुई। वो लोग खुद इस तरीके से लाइमलाइट में आए, उन्होंने इस पूरे प्रोटेस्ट के बेसिस पे अपनी पार्टी को एस्टेब्लिश करा। ना वन डिफरेंस, जब उनकी पार्टी थी इंदिरा गांधी ने उनके ऊपर ना पुलिस वाले छोड़े, और मैं पुलिस वाले छोड़ना बोलूंगी बिकॉज वो कुत्तों से कम नहीं है इस वक्त, ना उनके ऊपर पुलिस वाले छोड़े गए, ना उनके ऊपर डंडे बरसाए गए। इनफैक्ट उन्होंने जयप्रकाश नारायण को उठा के एक पूरी गवर्नमेंट गिरा दी, और आप हमें बता रहे हो कि आप क्या कर रहे हो। हमारे पास दिमाग है, हमारे पास एजुकेशन है, एंड दैट इज आवर वेपन, वी यूज इट। हम हेट नहीं फैलाते हैं, हम पढ़ते हैं, वी टीच एंड वी प्रीच, दिस इज व्हाट वी डू।